स्टोरी बताइए ना गाइस, क्या है? बताना क्या सस्पेंस रखा है, कुछ बना भी हुआ है करके बता रही थी मिनी। हाँ, मतलब माता के में साड़ी में दिखता नहीं, मूर्ति के अंदर ही 9 मूर्ति वाले हैं। हाँ। बापरे ये भी काट देना। हंस क्या रहे हो तुम लोग? चूड़ी ले रहे हैं, चूड़ी। 40 रुपए का वादा पाले ना क्या? ये
मिनी पिट है, बहुत छोटा है। सही चल रहा है मेरा पैर। चुराग खा रहे उनको पता भी नहीं चला। वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स खिला दो भैया इसको। भैया बोले ये क्या सामान है, 10 का देख रहे इसको कितना सारा मिला है। तो क्यों वो बना लेती है, खट्टा भी खा रही है, खट्टा ही बस खा रही है। वेट कर रहा हूँ कंटेंट का तेरे। अभी मैं पैर धोने के लिए नीचे रखी थी, चप्पल ही मेरा इधर से चला गया था। क्या हो गया, ये कैसा मंदिर है भाई, पहली बार देख रही हूँ। ये क्या तुम्हारा घर वाला मंदिर है? ये दोस्तों पता नहीं कैसा मंदिर दद्दू लेके आया, पहली बार जाऊंगी मैं और आपको भी दिखाऊंगी। इधर देखो गाय, ये किसी का, यहाँ पंडित वंडित लोग का घर है क्या? पहचान नहीं रहा तेरे को, दिल देगा ला। दद्दू पंडित बना है अभी, मेरे को भी दिखाओ। ओ वाओ माता, सर काली बात है, कौन सी बात है? दोस्तों ये देखो, है क्या बात कर रहे हैं, परिवार वाला मंदिर है। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये दद्दू लोग के परिवार वाला मंदिर है, यहाँ पे दद्दू का नाम भी लिखा है, हेमंत कुमार पापा दादा लोग, ये पूरा इनका लिखा हुआ है। अच्छा ये हम लोग का फैमिली ट्री है, मतलब मेरे दादा के पापा के पापा लोग का फैमिली ट्री है। ओके ये तो हम लोग टीवी में देखते थे वैसा सीन हो रहा है तुम लोग करे ना, इसमें तेरा नाम नहीं लिखा है कहीं पे? अरे तो नहीं, ये बहुत दादा के नाम तक है। यहाँ का स्टोरी बताइए ना गाइस, क्या है? बताऊंगा बताना, क्या सस्पेंस रखा है। 1730 में बनाया मंदिर, ये मंदिर देख रहे हो दोस्तों कितना पुराना है। 1730 में दादा के पापा लोग को मिला था मूर्ति जंगल में, उन लोग ला के फिर बैठाए हैं। अच्छा लक्ष्मी माता का मंदिर है। इसमें कुछ कुछ बना भी हुआ है करके बता रही थी मिनी। हाँ, मतलब माता के बना है, साड़ी में दिखता नहीं है, बहुत खुद से बना है। हाँ, मूर्ति के अंदर ही 9 मूर्ति और है। हाँ बापरे, मतलब चेहरे के अगल बगल में ना 9 मूर्ति और है। ओके वेरी नाइस। 1730 में लाया था, उससे पहले जंगल में था ये, बहुत जंगल में था ये इतने टाइम से, बाप रे। मतलब उन लोग को मिला जंगल में, उससे पहले का क्या होता ना, पहले मुगल लोग थे तो जितना हिंदू मंदिर है सबका नाक तोड़ देते थे। हाँ इनका भी है क्या? नाक नहीं है। अच्छा किसका नाक तोड़ा है इनका? देखो दोस्तों नाक टूटा हुआ है, मतलब ये जो बोल रहा है वो सच है, जो भी दद्दू बता रहे हैं। तो मुगल लोग तोड़ देते थे ना, तो पहले के लोग इसको छुपा के रखे थे, तो हमारे दादा लोग जब खेत गए थे ना तो मिला मूर्ति, तब से स्थापित किए फिर। ओके दोस्तों ये तो मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ, बढ़िया है यार। और मैं बताता हूँ, ये पेड़ जब से मंदिर बने तब से पेड़, ये मतलब हर देवी माता के मंदिर के पीछे बरगद पेड़ रहता है ना प्राची? अरे हर देवी माता के मंदिर के पीछे ना बरगद पेड़ रहता है, अपने आप जगता है वो। जगता ही है यहाँ भी देख। अच्छा। इसके पीछे ना पहले एक छोटा सा तालाब था, जिसमें राजा लोग के घोड़े लोग ना पानी पीने आते थे, तो जब बारिश का मौसम आता था ना तो पूरा ये पानी से भर जाता था मंदिर में, मतलब मूर्ति के आधा तक ना पानी भर जाता था पूरा। दूल्हा में भी राजा महाराजा लोग रहते थे। हाँ। यही तो मतलब एक दोस्तों यहाँ का जो हिस्टोरिक वाला चीज ये बताया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी दर्शन करने आना है तो दद्दू प्लीज यहाँ का एड्रेस बता दे, अगर कोई दर्शन करने आना है। गिदोला में लक्ष्मी मंदिर बोलने से बता, लक्ष्मी मंदिर। हाँ।
गिंदोला में लक्ष्मी मंदिर करके आप आना, फिर मतलब वहाँ पहले के लोग लक्ष्मी माता मानते हैं और मूर्ति को देखने के बाद मैक्सिमम लोग को लगता है कि काली माता। हाँ, मैं भी काली माता ही सोची थी। ओके, तो किसी को भी अगर ये जगह आना है तो आप आ जाइएगा, गिंदोला में है, बहुत ही बढ़िया। मेरे को मजा आया, मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इतना हिस्टोरिक वाला ये होगा, बट अच्छा है। दो जो घोड़े पानी पीने आते थे वाला बता रहा था ना, वो यही तालाब था, वो दब चुका है पूरा। दब चुका घोड़ा नहीं, तू कहानी सुन नहीं पाई ना, तू बाहर में जा, तेरे को दोबारा हम लोग कहानी बताएंगे भी नहीं। चलो पैदल पैदल आते हैं। सुंदर है, बाबर है इसका, ये पूरा यहाँ तक आया हुआ है और इतना ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे एकदम। नहीं दादू, चल चढ़ के दिखा इसमें पेड़ काम नहीं और बढ़िया है, लेकिन बहुत सुंदर है। उसका वीडियो लेना रे। क्यों रे, बताओ क्या बताओ क्या। दोस्तों, वी आर एक्सप्लोरिंग आवर विलेज, ठंडा ठंडा पानी से पैर धोते हुए यहाँ पे मस्त से हरा भरा दिखाते हुए आपको। डॉगी लोग का फुल मजा नहा रहे होंगे उसमें। ग्रेसी को छोड़ के आ गए हैं और ये देखो उसका बड़ा सारा खेत, आज तो पूरा गांव एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। हाय गाइस, शाम हो गया है और अब हम जा रहे हैं पूरे बड़ौदा का दुर्गा देखने। आपको बाहर बाहर का तो दिखा दिया, अब दिखाएंगे बड़ौदा का। इसके बाद हम गरबा भी देखने जाएंगे, आज कर नहीं रहे सिर्फ देखने जाएंगे, और आज एक और जगह हो रहा है वहाँ भी जाएंगे स्टेडियम में। तो अभी पहले दुर्गा दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे का बताते हैं। दोस्तों भीड़ देखो, भीड़ Next day. दोस्तों, another day, same vlog, और आज हम आ गए हैं फिर से दुर्गा देखने के लिए। अभी तो सब जगह भीड़ है, कल भी भीड़ था, कल भी हम लोग नहीं देखे थे, बट आज तो और उसे डबल का वीडियो उधर से बनाएंगे। हाँ। क्या भोगेगा यहाँ पे का जो थीम था वो ये था कि जब कुंभकर्ण को युद्ध के लिए उठाते हैं ना, तो वो वाला सीन यहाँ पे क्रिएट किए थे। बहुत ही सुंदर सा सीन था ये, मजा आ गया देख के इस झांकी को। केवल एक दिन के लिए जागेगा, अभी 6 मास। बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों।
सुंदर सा रोड को इन लोग डेकोरेट किया है। यहाँ भंडारा नहीं है क्या? पिछली बार यही का भंडारा खाए थे तो मजा आया था। कल था, मिस कर दिए हम लोग। चलो अंदर चलते, दिखाती हूँ आपको यहाँ का भी। यहाँ भीड़ है ना कि हम लोग मतलब जा ही नहीं पा रहे हैं। अंदर अच्छे से दर्शन करते बन भी नहीं रहा है और भीड़ के कारण लेट भी हो रहा है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं स्टेडियम का डांडिया देखने, गरबा देखने। तो चलो आप भी चलते हैं। हर रोड भी भीड़ है, देख रहे हो, हर गली गली में भी भीड़ है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आई नो आप बोलोगे कि आधे दुर्गा मैंने नहीं, मतलब आधा दुर्गा जी को मैंने नहीं दिखाया है यहाँ बलौदा का। बट सीरियसली ट्रस्ट मी, मतलब एक पंडाल में जाने में हमको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। मतलब बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। एक तो टाइमिंग हमारा गलत था, अगर दोपहर टाइम में जाती तो मे भी खाली रहता, शाम टाइम में कहते, इस वजह से ज़्यादा भीड़ था। इसलिए मैं सोची कि जो मेन है वो आपको दिखा देती हूँ, बाकी का तो फिर बाद में कभी दिखा देंगे कल वल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो एक पंडाल में जाने में आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा, आप देखे ही होगे कितना रश था। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय। एंड हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, अभी मैं दो व्लॉग्स में बताना भूल गई थी कि एक तो पहले हमारा दो गुड न्यूज़ है कि एक तो हम 100 व्लॉग्स कंप्लीट कर चुके हैं मेरे चैनल पे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि फाइनली 100 व्लॉग्स मैंने कंप्लीट कर लिए। एंड दूसरा, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी बढ़े हैं। ये बस गणपति पप्पा की कृपा थी कि जब मतलब जैसे विसर्जन हुआ उसके बाद से जो मेरा चैनल है वो ग्रो होने लगा, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा और मैं भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।